नमस्कार दोस्तों, ईस्टर्न डिपेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बनास नदी। बनास नदी में बनास नदी के उद्गम और बनास नदी की क्या क्या क्राइटेक्स्ट है, क्या विशेषताएं हैं, उसके उपनाम वगैरह ये पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बनास की सहायक नदियाँ। बनास की सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर एक प्रमुख सहायक नदी है वह है बेड़च। सबसे मुख्य नदी है और प्रमुख नदी बेड़च है। इसका दूसरा नाम आयड़ व आहड़ भी है। अगर उसने बेड़च नहीं देके ये नाम भी दे दिया तो भी वह सही माना जाएगा। बेड़च है, कोठारी है, बेड़च, कोठारी, खारी, डाई, सोहोदरा, मासी, बांडी, मोरेल, और एक है कालीसिल। बेड़च, कोठारी, खारी, डाई, सोहदरा, मासी, बांडी, मोरेल और कालीसिल, ऐसे ये सारे के सारे नाम याद होने जरूरी है, क्योंकि इसी एक सीधा सा सवाल बनता है कौन किसके साइक नदी है, कौन सी। बेड़च इसका नाम आयड़ भी है, आहड़ भी है, एक ये नाम भी आए तो भी ये इसकी साइक नदी मानी जाएगी। कोठारी, खारी, डाई, सोहदरा, मासी, बांडी। अब यहाँ कंफ्यूजन है, एक हमने बांडी पढ़ी थी वो लूणी की साइक नदी है जो पाली की पहाड़ियों से निकल कर पाली वाले भाग में प्रवाहित होती हुई आगे जाके ये लालास के पास में पाली जिले में ही उस लूणी में मिल जाती है। ये थी बांडी नदी और इस पे पाली शहर स्थित है, हेमावास बांध का निर्माण इस नदी पर किया गया है। तो ये भी बांडी उसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है, इसलिए कन्फ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं। ये यहाँ ध्यान रखना, बांडी इसकी भी सहायक नदी है, उसकी भी अगर ऑप्शन में आए ना तो ये सही माना जाएगी, नहीं तो आप फिर भागोगे, सर बांडी तो लूणी की सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी भी है और इसकी भी सहायक नदी। एक है ये मोरेल, एक हमने बताई थी मोरेन, एक पढ़ी थी हमने मोरेन। मोरेन है वो माही की सहायक नदी है और मोरेल है वो बनास की सहायक नदी है। ये भी ध्यान रखना, कन्फ्यूजन सवाल इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होना, मोरेल और मोरेन के बारे में ध्यान रखना। दूसरी है काली सिंध, एक अन्य ये कालीसिल है, कालीसिल है वो बनास की सहायक नदी है और एक काली सिंध है जो चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध वो है चंबल की सहायक नदी, ये भी ध्यान रखना। सहायक नदियों में कंफ्यूजिंग सवाल बनाने के लिए सबसे बेस्ट यही बनते हैं, ये काली सिंध किसकी सहायक नदी है, या ये हमने ये तो पढ़ रखी होती है ज़्यादातर चंबल वाली, ये हमने नहीं पढ़ी होती। तो काली सिंध है वो बनास की सहायक नदी है। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, कौन से भाग के कहाँ उद्गम होता है और कौन से भाग में जाके मिलती है बनास से। ये दक्षिणी राजस्थान है, ये दक्षिणी राजस्थान, ये है उदयपुर वाला भाग, उदयपुर, और आगे ये चित्तौड़गढ़, और इससे ऊपर हम देखेंगे यहाँ से राजसमंद, ऐसे लंबा लंबा फैला हुआ भाग है, राजसमंद ज्यादा हो गया, ये राजसमंद,
राजसमंद, इससे आगे ये पूरा पूरा भीलवाड़ा, और ऊपर वाला भाग है ये पूरा अजमेर। यहाँ पे इसमें टोंक, और टोंक के आगे ये पूरा पूरा सवाई माधोपुर वाला भाग है। लंबा बन सवाई माधोपुर ऐसे लंबा लंबा भाग है, घूमा हुआ भाग है, तो ये पूरा सवाई माधोपुर। ऊपर ये जयपुर, और जयपुर इससे यहाँ पे है दौसा, और ये पूरी है वो करौली। ये वाले भाग ध्यान रखना, कौन से भाग से नदियाँ निकल के आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक बार इनके नाम लिख देता हूँ सबके। ये है उदयपुर, ये है राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, और ये बीच वाला भाग है चित्तौड़गढ़। तो ये एक बार लोकेशन आपको पता होनी चाहिए मैप में, कौन सी चीजें कहाँ हैं, क्योंकि लोकेशन नहीं है याद होगी तो आप चीजों को याद नहीं रख पाओगे, ज्यादा देर याद नहीं पाओगे। ये दिख नहीं रहा है, ये टोंक जिला है और ये दौसा है, याद रखना इतना। ऊपर वाला वैसे भी काम नहीं है इतना, यहाँ तक ही दिखाई दे रहा। हमने पढ़ा थी कि खमनौर की पहाड़ियों से निकलकर बनास नदी दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है, नाह द्वारा कांगरौली होती है, नाह द्वारा से ये पूर्व दिशा में मुड़ जाती है, आगे जाके ये चित्तौड़गढ़ वाले भाग में प्रवाहित होती है, आगे मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होती हुई अजमेर की सीमा से छूती हुई टोंक के मध्य भाग से प्रवाहित होती हुई सवाई माधोपुर वाला भाग में लसाड़ा कस्बे से होती हुई बनास है वो चंबल में जाके मिल जाती है। ये चंबल नदी इधर आती है, चंबल नदी। तो ये हमने पढ़ा था बनास की नदी खमनौर की पहाड़ी से उद्गम, उसके बाद में ये वाला भाग में प्रवाहित होती हुई इस तरफ चले जाती है, ये तो हमने जानकारी ली थी। अब हम पढ़ते हैं इसकी सहायक नदी कौन से भाग में, कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत, ध्यान रखना चीज़ें अभी मिक्स हो जाएगी सारी, इस वजह से थोड़ा क्लियरिटी से समझना। सबसे पहली है बेड़च नदी। बेड़च नदी है, इसका उद्गम हमने एक चीज पढ़ी थी जब पढ़ा था दक्षिणी अरावली पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है वो कहलाता है भोराट का पठार। तो ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और गोगुंदा की पहाड़ियों के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ स्थित है जिन्हें कहा जाता है गिरवा, और गिरवा के मध्य है वो उदयपुर शहर स्थित है, उदयपुर सिटी, और ये कहलाया था भोमट। ये वाला भाग था वो चीत है। इस वाले जो उदयपुर गोगुंदा से उदयपुर शहर की तरफ जो पहाड़ियां आ रही थी उनको हमने पढ़ा था ये। उसके बाद हम ये देखेंगे उदयपुर शहर है उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में, यहाँ पे उदय सागर झील स्थित है, उदय सागर झील। उदय सागर झील इस नदी का उद्गम है वो बनास है। इस बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से होती हुई उदयपुर शहर के उत्तरी भाग में होती हुई ये जाके उदय सागर झील में गिर जाती है। उदय सागर झील तक इसका नाम होता है वो आयड़ या आहड़, यहां तक इसका नाम होता है ये। उसके बाद में ये नदी है वो बेड़च नदी के नाम से ये बड़े उदयपुर वाले भाग में प्रवाहित होती है, आगे चित्तौड़गढ़ वाले भाग में प्रवाहित होती हुई, आगे हमने पढ़ा था बिगोद भीलवाड़ा के पास में मेला त्रिवेणी संगम बनाती हुई चंबल में मिल जाती है।
मैनाल तिरणी संगम बनाती हुई बिगोद भीलवाड़े पास चंबल में मिल जाती है। ये हमने बेड़च नदी पड़ी। अब इसके बारे में जानकारी, यहाँ उसके आगे इसका नाम है बेड़च नदी। बेड़च इसमें एक है भीलवाड़, ये चित्तौड़गढ़ वाला भाग है। यहाँ पे अप्पावास गांव है। अप्पावास गांव में इसमें घोसुंडी बांध का निर्माण किया गया। घोसुंडा बांध का निर्माण किया गया। घोसुंडा बांध, ये एक वो घोसुंडी अभिलेख है जो इसी बांध के किनारे लगा हुआ है। जो घोसुंडी अभिलेख है वो दूसरी शताब्दी का है और इसमें पहला राजस्थान का पहला शिलालेख है जिसमें वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। तो ये घोसुंडा बांध अप्पावास गांव में चित्तौड़गढ़वाल भाग में बनाया गया। ये कुल 190 किलोमीटर लंबी नदी है जो बेड़च है। ये कुल 190 किलोमीटर लंबी है। अब इसमें है ना चित्तौड़गढ़वाल भाग से छोटी छोटी एमपी की पहाड़ियों से निकल कर छोटी छोटी नदियाँ आती है, जो इसीलिए तो हम पढ़ा था सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़। तो इसका कारण यही है कि यहाँ से एमपी वाली पहाड़ियों से छोटी छोटी कई नदियाँ आती है और इस बन बेड़च नदी में मिल जाती है। एक है गंभीर, गंभीरी ओराई वागन, वागन या वामन, गंभीरी ओराई वागन, और एक छोटी सी नदी और है वो है, एक मिनट ध्यान नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे। चार नदियां हैं, गंभीरी ओराई और वागन, ये छोटी नदी है। ये नदियां आके मिलती है। एक है ये गंभीरी नदी है, ये तो चित्तौड़गढ़ वाले भाग में प्रवेश होती है। एक है गंभीर नदी, ये भी एक कंफ्यूजिंग सवाल बनता है कि गंभीर नदी कहाँ पे है। तो गंभीर नदी है वो करौली वाले भाग में प्रवेश होती है, ये भी ध्यान रखना। गंभीर नदी है वो करौली वाले भाग में प्रवेश होती है। सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि वो गंभीरी है वो तो चित्तौड़गढ़ वाले भाग में, और गंभीर नदी है वो करौली वाले भाग में प्रवाहित होती है। तो याद रखना वागन ओरई गंभीरी, ये चार, एक और नदी है छोटी सी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, गंभीर करौली और ये सारी नदियां हैं वो बनास में, सॉरी बेड़च में मिलती है। बेड़च आगे जाके बनास में मिलती है। ये यहाँ से भी एक छोटा सा सवाल बन सकता है जो पाल यहाँ एमपी की पहाड़ियों से निकल के आती है, एमपी की पहाड़ियों से निकल के आती है। तो ये थी बेड़च नदी। बेड़च के बाद में प्रमुख शाही नदी है वो है कोठारी। बेड़च के बाद में प्रमुख शाही नदी है वो कोठारी। कोठारी के बारे में एक चीज याद रखना कि कोठारी पे कौन सा बांध बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, क्योंकि अगर बांध के बारे में पूछेगा तो आपसे वो उसके बारे में जानकारी जरूर लेगा। तो हम पढ़ते हैं कोठारी नदी। कोटारी नदी है, उसका उद्गम राजसमंद वाले भाग में होता है और यहाँ तक तो खमनौर की पहाड़ियाँ, वहाँ पे दिवेर की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। उद्गम में पश्चात ये चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा वाले भाग में प्रवाहित होती हुई, भीलवाड़ा वाले भाग में प्रवाहित हुई, भीलवाड़ा से आगे ये देव जो पड़ा था मैनाल तिरणी संगम से आगे जाके नया नंदराम नंद राय या नंद राम, दोनों ही नाम लिखे हुए थे, नंद ग्राम में जाके इस नदी में मिल जाती है, ये ध्यान रखना। इसका उद्गम है वो यहाँ से शुरू होती है दिवेर की पहाड़ियां फिर राजसमंद वाले भाग में प्रवाहित होती है, आगे जाके भीलवाड़ा वाले भाग में जाके इसमें मिल जाती है। इसमें याद रखना एक भीलवाड़ा में मांडल जगह पे यहाँ पे एक मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध इम्पोर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है। मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में पेयजल सप्लाई के लिए बनाया गया है। भीलवाड़ा में पेयजल
ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, मेजा बांध किस नदी पे बनाए गए, कई बार पूछा हुआ, रिपीट वाला सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये सवाल पूछा जाता है। मेजा बांध का निर्माण कोटारी नदी पर भीलवाड़ वाले भाग में किया गया। अब उसके बारे में, कौन सी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, ये लगभग 140 किलोमीटर लंबी है। हाँ एक याद आ गया, ये जो इस चार नदियां, एक तो गंभीरी, गुजरी, ओराई और वागन, ये नाम याद, गंभीरी, गुजरी, ओराई और वागन, ये चार नदियां हैं जो इसमें आके मिलती है, याद रखना, गंभीरी, गुजरी, ओराई, वागन इस वाले भाग में प्रवाहित होती है। उसके बाद में वो है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम राजसमंद वाले भाग में होता है, राजसमंद में बिजराला की पहाड़ियां। बिजराला की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। उद्गम के पश्चात ये भीलवाड़ वाले भाग में प्रवाहित होती है, टोंक अजमेर वाले भाग में चले जाते, अजमेर वाले भाग में आगे जाके देवली के पास में, देवली जो त्रिवेणी संगम पड़ा था उसमें जाके, टोंक सिटी से पहले देवली आता है, देवली वाले भाग में जाके बनास में मिल जाती है। इसका नाम है खारी नदी। ये खारी नदी जो यहाँ वाले भाग में प्रवाहित होती है, राजसमंद में प्रवाहित होती है, भीलवाड़ा में प्रवाहित होती है, अजमेर में प्रवाहित होती है, वहां जाके आगे इसमें मिल जाती है। अब है एक और छोटी नदी है, वो है अजमेर वाले भाग से, अजमेर के दक्षिणी भाग में निकल के नसीराबाद वाले नसीराबाद की पहाड़ियों से निकल के फिर अजमेर व टोंक में प्रवाहित होती है, आगे जाके वही त्रिवेणी संगम में मिलती है, देवली त्रिवेणी संगम में मिलती है। इसका नाम है डई नदी। ये जो अजमेर वाले भाग से निकलती है, नसीराबाद वाले भाग से, वहां से जाके उसमें नहीं, एक अजमेर के पूरी भाग से निकलती है, ये था नसीराबाद वाले भाग से। अजमेर वाले पूरी भाग से निकलते हैं, अजमेर और टोंक सिटी से पहले जाके इसमें मिल जाते हैं। इसका नाम है सोहोदरा नदी। सोहोदरा नदी अगली नदी है, वो है मासी। मासी नदी है वो किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, फिर टोंक वाले भाग में प्रवाहित होती है, इससे आगे आगे जो उससे आगे वाले भाग में जाके मिल जाती है। यह है मासी नदी। अब इम्पोर्टेंट है बांडी नदी, जयपुर में बस्सी की पहाड़ियों से निकलती है, बस्सी बस्सी से होती हुई फिर ये दौसा वाले भाग में चले जाते हैं, जयपुर दौसा फिर टोंक वाले भाग में प्रवाहित होती हुई आगे आके बिसलपुर बांध है, उससे पहले वाले भाग में, बिसलपुर बांध टोडा रायसिंह कस्बे में, उससे पहले वाले भाग में आके मिलती है। यह है बांडी नदी। बांडी नदी अब है बांडी नदी के बाद में मोरेन। मोरेन नदी का उद्गम है वो जयपुर वाले भाग से ही होता है, जयपुर वाले भाग से निकल के ये करौली वाले भाग में, करौली वाले भाग में प्रवाहित होती है, सवाई माधोपुर वाले दौसा करौली वाले भाग में होती है, सवाई माधोपुर वाले भाग से आके सवाई माधोपुर कस्बे, सवाई माधोपुर में इसमें आके मिल जाती है। ये है मोरेन। और लास्ट है वह है कालीसिल नदी। कालीसिल नदी है वो करौली वाले भाग से निकलती है, करौली वाले करौली की सपोटरा तहसील से निकलती है, सपोटरा तहसील से बाद में आगे आके करौली में प्रवाहित होती है, सोयमाधोपुर वाले भाग में आके बनास में मिल जाती है। इसका नाम है कालीसिल नदी। एक मोरेल नदी है, उसमें सोयमाधोपुर में इसमें मोरेल बांध का निर्माण किया गया है, मोरेल बांध का निर्माण, ये ध्यान रखना, मोरेल बांध का निर्माण किया गया है जो सोयमाधोपुर वाले भाग में किया गया है, और जो भी सोयमाधोपुर के लिए पेयजल सुविधा के लिए बनाया गया था। एक जो बांडी नदी पड़ा था हमने, ये बांडी नदी,
बांडी नदी है, इससे बांडी नदी का जो जल है वो अजमेर शहर को पानी के लिए दिया जाता है। यहाँ पे अजमेर शहर है घूघरा घाटी में स्थित, अजमेर शहर के पानी की सुविधा के लिए बांडी नदी का जल का उपयोग लिया जाता है। तो ये दोस्तों नमस्कार, ये थी सारी सारी बनास की सहायक नदियाँ जिन्हें हमें एक एक पढ़ा। सबसे पहली पढ़ी हमने बेड़च के बाद में हमने पढ़ी थी कोटारी, कोटारी बाद में हमने पढ़ी थी। अरे सर एक मिनट, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम वजह से कुछ हो रहा था। तो ये थी चीजें सारी हमने जो पढ़ी थी, सबसे पहली पढ़ी थी वो बेड़च नदी, उसके बाद में कोटारी नदी, उसके बाद में खारी नदी, उसके बाद डाई नदी, उसके बाद में सोहदरा नदी, सोहदरा नदी मासी, मासी बाद में बांडी, बांडी के बाद में हमने पढ़ी थी वो थी ये मोरेल, मोरेल के बाद में हमने पढ़ी थी काली, काली सिल। ये सारी नदियाँ थी। तो आज इतना ही, कल हम पढ़ेंगे बनास नदी के बाद में हमने अगली नदी है वो बाणगंगा नदी, बाणगंगा के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट नदी पढ़ेंगे वो चंबल, उसके बाद में हमारा अरब सागरी अपतंत्र वाला भाग कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थैंक यू।